नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रवक्ता लेक्चरार के पदों पर भर्ती, राजकीय विद्यालय में 1454 शिक्षकों की भर्ती, फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी कर रहे 5 शिक्षक बर्खास्त, 12460 शिक्षक भर्ती में विद्यालय आवंटन के आदेश जारी। जानिए सब कुछ इस वीडियो। फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी कर रहे 5 शिक्षक हुए बर्खास्त। राष्ट्रीय फर्जी दस्तावेज के सारे अलग अलग स्कूलों में नौकरी कर रहे 5 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें 4 प्रधानाचार्य व 1 सहायक अध्यापक भी शामिल है। सिरसिया विकास क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय बघई में तैनात प्रधानाध्यापक अरुण कुमार फर्जी मार्कशीट व कुटरचित दस्तावेज के सारे बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे थे। शिकायत पर उनके अभिलेखों की जाँच कराई गई और जाँच में पुष्टि के बाद मंगलवार को बर्खास्त। इसी तरह गिलोल क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पिपरी में तैनात प्रधानाध्यापक शिक्षिका रीता देवी, हरिहर पुरानी के प्राथमिक विद्यालय असई पूर्वा में तैनात प्रधानाध्यापक शिक्षक सुभाष चंद्र गिलोल के प्राथमिक विद्यालय प्रेमपुर में तैनात प्रधाना शिक्षिका चंद्र प्रभा त्रिपाठी और जमुआ के प्राथमिक विद्यालय अर्दत नगर गिरगिट में तैनात सहायक अध्यापक रामवर्णन के अभिलेखों की जाँच में फर्जी मार्कशीट व कूटरचित दस्तावेज की पुष्टि हुई है। इन सभी की सेवाएं भी बरकरार। BSA की ओर से सभी के विरुद्ध FIR दर्ज कराने तथा सभी से तैनाती से अब तक भुगतान हुए वेतन की रिकवरी का आदेश भी दिया गया है। बताया जाता है कि आरोप लगने के बाद से सभी प्रधानाध्यापक व सहायक शिक्षक विद्यालय से फरार। UP के 88 राजकीय विद्यालयों में 1454 शिक्षकों की होगी भर्ती। यूपी के 88 राजकीय विद्यालयों में 1454 शिक्षक राजकीय विद्यालयों में लगेंगे। इनके 163 गैर सरकारी पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश में बने 75 राजकीय इंटर कॉलेज हैं तथा 13 राजकीय हाई स्कूल हैं, जिनमें शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश दिया है कि शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, जबकि शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में निकली है लेक्चरार की 56,000 तक मिलेगी सैलरी। बिहार लोक सेवा आयोग की नौकरियों की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक खबर है। आयोग ने हाल ही में लेक्चरार माइनिंग इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जून से शुरू हो गए हैं। कैंडिडेट इसके लिए आवेदन 16 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकता है। और पदों का विवरण जो है, BPSC की लेक्चरार माइनिंग इंजीनियरिंग पद पर कुल 6 वैकेंसी है। इसके लिए कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो है BTech माइनिंग इंजीनियरिंग BSc BE के होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। आयु की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। आवेदन शुल्क जो है ₹750 है और छूट वाले उम्मीदवार के लिए ₹200। नेक्स्ट न्यूज है, 12460 शिक्षक भर्ती में विद्यालय आवंटन के संबंध में जनप्रवाद आदेश जारी हुए हैं। जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड हैं उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा गया है और ये विद्यालय आवंटन होगा 27 से 29 जून के मध्य तक। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।